गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत नंबर है आज 20। हिंदी स्ट्रक्चर पहले देखें। हिंदी स्ट्रक्चर में कर्ता प्लस संज्ञा आवलिक विशेषण, का की संज्ञा आवलिक विशेषण, ठीक। इसका क्या मतलब, एक बार में आप चाहे संज्ञा का प्रयोग करेंगे चाहे विशेषण। अब यहां अगर संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां दोबारा संज्ञा का ही प्रयोग होगा, ऐसा नहीं कि यहां पर संज्ञा का प्रयोग कर देंगे और यहां विशेषण का प्रयोग कर देंगे, नहीं। दोनों जगह सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच रहना चाहिए। तो संज्ञा संज्ञा या विशेषण विशेषण। अब इसके बाद क्रिया होना का प्रयोग हो, फिर पुनः क्या होगा प्लस के साथ और संज्ञा आवलिक विशेषण, फिर संज्ञा आवलिक विशेषण। अब यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर और के पहले आपने संज्ञा का प्रयोग कर दिया है तो यहां भी संज्ञा का ही प्रयोग होगा। अगर यहां पर विशेषण का प्रयोग कर दिया है तो यहां भी विशेषण का प्रयोग होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप संज्ञा का प्रयोग कर देंगे और यहाँ विशेषण का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब पहले पोर्शन में और के पहले जिस संज्ञा का प्रयोग यहाँ होगा उसी संज्ञा को यहाँ पर दोहराया जाएगा, फिर दूसरे पोर्शन में और के बाद जिस संज्ञा का प्रयोग यहाँ होगा उसी संज्ञा को यहाँ दोहराया जाएगा। लेकिन फर्क क्या है कि इस संज्ञा और इस संज्ञा में अंतर होगा, यानी यहाँ की संज्ञा दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी तरह विशेषण का प्रयोग अगर आप करते हो तो जो विशेषण यहाँ रहेगा वही विशेषण यहाँ रहेगा, फिर और के बाद जो विशेषण यहाँ रहेगा वही विशेषण यहाँ रहेगा। लेकिन दोनों पोर्शन में यानी और के पहले और के बाद प्रयुक्त विशेषण में क्या होगा, अंतर रहेगा, यानी दोनों के बीच डिफरेंस रहेगा, यानी दोनों एक दूसरे के डिफरेंट रहेंगे, यानी ये दूसरा तो ये दूसरा। अब इसका एग्जाम्पल मैं पहले आपको हिंदी में समझा देता हूँ फिर इंग्लिश बता देता हूँ। देखिए, यह भोजन का भोजन है, यह भोजन का भोजन है, हो गया। और दवा की दवा, दवा का दवा भी लिख सकते हो या दवा की दवा, ठीक ना, की लगाना ठीक है, दवा की दवा एक हो गया। अब चलिए फिर से, वह यानी करता पिता का पिता है और शिक्षक का शिक्षक, समझ गए होंगे। अब चलिए दो तो नाउन का एग्जांपल दे दिया, एक आप एडजेक्टिव पर ले लीजिए। वह सुंदर की सुंदर है, वह सुंदर की सुंदर है और बुद्धिमान की बुद्धिमान, और बुद्धिमान की बुद्धिमान। तो अब इसी का ट्रांसलेशन करना है। इसके लिए जो इंग्लिश स्ट्रक्चर दिया गया है कुछ अलग है। इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अंडर केट टू बी, ये टू बी हम इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखते हैं, हमारी स्टाइल है। अकॉर्डिंग टू टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई। स्टाइल का मतलब शैली, लिखने की शैली, ठीक है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इज वाज, ठीक है ना, किसी भी टेंस में जा सकता है। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस दिए गए हैं, क्रिया होना दिया गया है हूं नहीं लिखा गया है, इसीलिए तो प्रेजेंट टेंस में ही एग्जांपल दिया गया है, क्योंकि मोस्टली प्रेजेंट टेंस में ही एग्जांपल्स मिलते हैं। तो चलते हैं
सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी का प्रयोग करिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस। अब यहाँ पर बोध लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का नाउन और यहाँ का नाउन लिखा जाएगा। अगर दोनों में नाउन यूज करते हैं नाउन एंड नाउन, और दोनों नाउन डिफरेंट रहेगा। अब यह नाउन सिंगुलर नंबर काउंटेबल है तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो आर्टिकल का नियम भी यहाँ लागू होगा। चलिए अब बोध के बाद अगर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, यह है एडजेक्टिव पहला है और यह एडजेक्टिव दूसरा है, तो इसका भाव देख लीजिए। यह भोजन का भोजन है और दवा का दवा, तो क्या हो गया, यह भोजन का भोजन है एक बालिका का, यह भोजन ध्यान दीजिएगा दोनों के लिए क्या लिखा गया, एक बालिका का यह भोजन, और दवा की दवा तो एक बार लिखा गया और दवा, इसका मतलब भोजन और दवा दोनों है, तो यह भोजन और दवा दोनों है, ठीक ना। तो ट्रांसलेशन आपको इसी का करना है, पहले इसको समझ लीजिए। अब चलिए, वह पिता का पिता है, इसको देखिए, तो इसके लिए एक बार पिता लिख दिया। वह शिक्षक का शिक्षक है, एक बार शिक्षक लिख दिया और दोनों शब्द का प्रयोग हो गया। वह सुंदर का सुंदर है, इसके लिए क्या लिख दिया, अर्थात का मतलब इसका भाव क्या है, एक बार लिख दिया। और बुद्धिमान का बुद्धिमान है तो एक बार लिख दिया। अब ट्रांसलेशन आपको इसी का करना है और इसी के लिए इंग्लिश यहां दी गई है। तो अब यहां पर हम चलते हैं, यह भोजन का भोजन है और दवा का दवा। स्पीकर इस सेंटेंस में कर्ता जो प्रयोग कर रहा है कर्ता का यह। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ की इंग्लिश हम दिस लगाए कि इट लगाए, तो देखिए दिस का प्रयोग तभी होता है जब आप किसी चीज को यानी सिंगुलर नंबर नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो, पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो, लेकिन इंट्रोडक्शन अगर हो चुका है दोबारा अगर उसी नाउन की चर्चा करते हो तो इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस को समझना है कि यह दवा का दवा है और सॉरी यह भोजन का भोजन है और दवा का दवा, यानी स्पीकर उस चीज से ऑलरेडी पहले से ही यानी पूर्व परिचित है तो दिस का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, इट इज बोथ, ठीक हो गया, इट इज बोथ। अब चलिए, भोजन क्या है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है, ठीक, तो एक्टिव नहीं लगेगा, तो इट इज बोथ फूड। इसी तरह यहाँ की मेडिसिन जो है, देखिए मेडिसिन काउंटेबल भी होता है काउंटेबल होता है, ठीक है ना, मेडिसिन का मेडिसिन अगर आप करते हो तो काउंटेबल में आ जाता है, लेकिन यहाँ मेडिसिन का मतलब डोज से है, यानी कोई चीज खा रहे हो तो पेट भी तो भरेगा ही और सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा, यानी डोज करता, तो मेडिसिन जब डोज के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सिमिलर होता है अनकाउंटेबल, तो आर्टिकल नहीं मिलता है। इट इज बोथ फूड एंड क्या मेडिसिन, ये हो गया मेडिसिन। अब यहां जो मेडिसिन है पोस्ट में मैं समझने के लिए लिख दिया आपको, क्या है डोज है, यहाँ की मेडिसिन क्या है डोज है, ठीक है, यहाँ की मेडिसिन आपकी डोज है। तो अब देखिए अनकाउंटेबल होने के कारण कोई आर्टिकल नहीं लगा। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करिए, वह
पिता और शिक्षक दोनों है। तो यहाँ पर आपको ही लगाना है और ही इज बोध लिखना है। पिता काउंटेबल है, शिक्षक भी काउंटेबल है, तो ही इज बोध दो। देखिए दोनों जगह आर्टिकल लगेगा, इस पटिंग में ये चीज आता है, आर्टिकल वाला ये आता है, ठीक ना। तो ही इज बोध अ फादर एंड अ टीचर। यहां दोनों जगह आपको लगाना पड़ेगा, ठीक ना, इसका आपको ध्यान देना। ठीक, अब चलिए, यहाँ वह सुंदर की सुंदर है और बुद्धिमान की बुद्धिमान, वह सुंदर और बुद्धिमान दोनों है। तो यहाँ पर कर्ता वह जो है फैमिली जेंडर में होता है, सुंदर की सुंदर है, सुंदर का सुंदर नहीं है, हमने की लगा दिया तो इसलिए फैमिली जेंडर में होता है। यानी क्या हो जाएगा, सी इज बो। अब यह एडजेक्टिव है, सुंदर भी एडजेक्टिव है और बुद्धिमान भी, तो आगे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड का इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, अब ये चीज आपको देखना है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहां पर यह क्या है, फेमिनिन जेंडर के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है और मैस्कुलिन के लिए क्या होता है, मैस्कुलिन के लिए हैंडसम का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो ये रहा आज का क्लास, तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।